हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बने तिलों के महत्व के बारे में। शरीर पर बना हर एक तिल अपनी अलग अलग महत्वता रखता है। तो आइए दर्शकों, बात करते हैं शरीर पर बने विभिन्न प्रकार के तिलों के महत्व के बारे में। आपके बॉडी पर ये जो तिल होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के रहस्यों को उजागर करते हैं। हम तिल के महत्व को शुरू करते हैं व्यक्ति की हथेली से। आपने बहुत बार सुना होगा, जिसकी हथेली में तिल होता है उसके पास बहुत पैसा आता है। लेकिन वो तिल कौन सा महत्वपूर्ण होता है, आइए जानते हैं। जिस इंसान की हथेली के मध्य में तिल हो और वो तिल मुट्ठी में बंद होता हो। कई बार आप जब मुट्ठी बंद करते हैं तो वो मुट्ठी वो जो तिल है वो मुट्ठी के नीचे आ जाता है, हमारी मुट्ठी के अंदर बंद नहीं होता। तो जो तिल हमारी मुट्ठी के अंदर बंद होता हो वो तिल बहुत शुभ माना जाता है, और ख़ास तौर से महिलाओं के बाएं हाथ में होना चाहिए और पुरुषों के दाएं हाथ में वो तिल बनना होना चाहिए, तो वो तिल बहुत शुभ होता है। पुरुष हो या महिला हो, उनकी जो इंडेक्स उंगली के बीच में, मतलब हमारी उंगली में तीन खाने होते हैं, तो जो बीच वाला खाना होता है तो उसके ऊपर यदि तिल है और वो तिल बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का है, तो ऐसे व्यक्तियों को खाने पीने का बहुत शौक होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास अपने आप खाने पीने का सामान आ जाता है, मतलब वो अपना इंतजाम अपने आप कर लेते हैं। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के दोनों आईब्रो के बीच में यदि तिल है, जहाँ पर आमतौर पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, यदि वहाँ अगर किसी व्यक्ति के तिल है तो ऐसे व्यक्ति कृपणता के शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को कंजूसी घेर लेती है। जिस व्यक्ति के कान के ठीक मध्य में तिल होता है और कान के साथ साथ उस व्यक्ति के हाथ के अंगूठे पर भी तिल हो, चाहे लेफ्ट हैंड का अंगूठा हो या राइट हैंड का अंगूठे पर यदि तिल है, तो ऐसे व्यक्तियों की दीर्घ आयु के साथ पाए गए हैं। लंबी उम्र ऐसे व्यक्तियों की आमतौर पर हमने देखी है। एक चीज और जाने, जिस व्यक्ति के नीचे वाले होठ पर तिल हो, महिला हो या पुरुष हो, नीचे के होठ पर तिल हो, ऐसे व्यक्तियों को खट्टा सामान खाने का बहुत शौक होता है। अब देखो, हर किसी व्यक्ति के साथ तो ये बातें टैली ना भी करें, क्योंकि ये एक शोध है और शोध में ऐसी चीज़ों के बारे में केवल अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अधिकतम ऐसे प्रकृति के लोग हमने पाए हैं जिनके नीचे वाले होठ पर तिल होता है, वो खट्टा सामान खाना पसंद करते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर वाले होठ पर तिल होता है, ऐसे व्यक्ति रोमानी मिजाज के होते हैं, रोमांटिक मिजाज के ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, जिस प्राणी के आँख के अंदर तिल हो, चाहे उसकी दाहिनी आँख में हो या फिर उसकी बाई आँख में, लेफ्ट हो या राइट, किसी भी आँख में हो। अब आप कहोगे कि आँख में तो तिल हमने देखा ही नहीं, लेकिन शायद आपने ना देखा हो, लेकिन आँख के अंदर हमें तिल, मतलब आँख के अंदर तिल होता है। कभी देखना, आँख के अंदर तिल मिलेगा। तो जिसकी आँख में तिल होता हो, ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध बहुत होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि मिल ही जाती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में मिले। और जिन प्राणियों के पैर के तलवे पर तिल होता है, तलवे के ठीक मध्य में, एडी और पंजे के ठीक बीच में अगर यदि तिल बन रहा है, महिलाओं के बाएं पैर में देखें और पुरुषों के दाहिने पैर में देखें, तो ऐसे व्यक्ति घुमक्कड़ के मिजाज के व्यक्ति होते हैं। घूमने का बहुत शौकीन ऐसे व्यक्तियों को पाया गया है। जिस व्यक्ति के गाल पर तिल होता है, अब गाल पर लेफ्ट साइड में हो सकता है या फिर राइट में, कोई सी भी साइड अगर तिल है, तो ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर भावनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं।
जिस व्यक्ति की ठोड़ी पर तिल हो, चिन पर तिल हो, ऐसे प्राणी दिखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं। वो काफ़ी अट्रैक्टिव ऐसे व्यक्तियों को हमने पाया है। जिस व्यक्ति के कंधे पर तिल हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति होते हैं। और एक चीज़ आपको और बताएं, जिस व्यक्ति के पेट पर तिल होता है, तो ऐसे व्यक्ति आप ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा भोजन खाते हैं। ऐसे व्यक्ति सदा स्वच्छ भोजन खाना पसंद करते हैं। तिलों में भी दर्शकों सरेणी होती हैं। लाल रंग के तिल भी होते हैं, अगर आपने ना सुना हो तो बता देते हैं, लाल रंग के भी तिल होते हैं। तो जिन व्यक्तियों के लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर लाल रंग का तिल हो, ऐसे व्यक्ति अल्पभोजी होते हैं, मतलब कम भोजन खाने वाले ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति के गर्दन पर तिल होता है, ऐसे व्यक्ति फॉर्म डिटर्मिनेट होते हैं, इरादों के मजबूत और पक्के व्यक्ति ऐसे हैं, ऐसे होते हैं। एक चीज़ आपको और बताते हैं, जिस व्यक्ति की कमर पर तिल हो और तिलों का एक ग्रुप बन रहा हो, बहुत से तिल अगर किसी की कमर के ऊपर हैं, थोड़े थोड़े गैप के साथ वो तिल हैं, तो आलस्य ऐसे व्यक्तियों को घेर लेता है। और एक बात और सुनो, जिस व्यक्ति के सीने पर तिल होता है, हार्ट पर तिल जिस प्राणी पर के होता है, तो ऐसे व्यक्ति लंबी यात्राएं करते हैं। भविष्य में एक दो बार उसकी लंबी यात्रा हो ही जाती हैं, लंबी यात्रा उसको करनी पड़ती हैं, चाहे वो बिजनेस के सिलसिले में करे, चाहे जॉब के सिलसिले में करे, या फिर चाहे किसी घरेलू कारण हो, किसी पढ़ाई के मामले में, लेकिन उसको लंबी यात्रा हमेशा करनी पड़ती हैं, एक दो बार तो करनी ही पड़ती हैं। जिन व्यक्तियों के खासतौर पर दांतों के अंदर गैप हो, खासतौर पर ये सामने वाले दो दांत होते हैं, अगर इनके बीच में हल्का सा भी गैप हो और दांत के साथ साथ उन व्यक्तियों के नाक पर तिल हो, तो ब्लैक कलर जो तिल जो है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत मालामाल व्यक्ति होते हैं। 30 से 32 साल की उम्र के बाद अपने आप लक्ष्मी चली आती है ऐसे लोगों के पास। ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होता है। दर्शकों, यूं तो तिल के बहुत सारे मायने होते हैं, लेकिन हमने आपको मेन महत्व तो बता ही दिए हैं। तो अब आप जिसकी ये बातें टैली नहीं कर रही, तो वो ये मत समझना कि ये गलत हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था, ये एक अनुमान है जो कि हर एक के साथ टैली नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।